वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। ये नवरात्रि का पहला दिन होता है। प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते वक्त शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखना चाहिए। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक का है। इसी समय घट स्थापना करने से नवरात्रि फलदायी होंगे। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। कलश स्थापना के लिए कई सामग्री की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री में 7 तरह के अनाज, चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत लाल वस्त्र और पुष्प की जरूरत पड़ती है। घट स्थापना या कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। उत्तर पूर्व दिशा को साफ करके मां की चौकी लगाएं। इस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर देवी मां की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और कलश स्थापना करें। एक नारियल में चुनरी लपेट दें और कलश के मुख पर मौली बांधें। कलश में जल भरकर उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा और रुपये का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें और फिर इस कलश को दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। कलश स्थापना पूरी होने के बाद देवी का आह्वान करें। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।